Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Now we have to find the coordinates of the point which divides minus 1, 7, 4, minus 3 in the ratio 2 by 3. And to find out the coordinates of point P, we have to use the section formula. This is to find out the coordinate of x, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. And this is for coordinate y, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now we have to just put the values in the question and we can easily get the answer. गलती बस यही नहीं करनी है कि आपके m1 की जगह m1 पुट होना चाहिए और m2 की जगह m2, x2 की जगह x2 और x1 की जगह x1. ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए फिर दोबारा वही कर लेते हैं. दिस इज माय x1 एंड y1, दिस इज माय x2 एंड y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2. ऐसा लिखने से सिली मिस्टेक के चांसेस कम है. आपने सिर्फ अब वैल्यूज पुट करनी है. सबसे पहले m1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर इट इज 2, x2 है आपका 4 प्लस m2 है 3 मल्टीप्लाई x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज फॉर y कोऑर्डिनेट्स आल्सो व्हिच इज 2 इनटू -3 प्लस 3 इनटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. ऑलमोस्ट सब चीजें सेम हैं, बार बार सेम रहेंगी. सिर्फ आपने ध्यान रखना है x1 x2 और m1 m2. देखो ये सब कुछ यहाँ पर सेम जा रहा है. एक बार सही लिखोगे तो आगे भी ये सब कुछ सही लिखा जाएगा. फिर भी आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन लिखने के बाद. नाउ वी हैव टू यूज द बॉड मास फॉर्मूला. 4 2 8, 3 × -1 -3 अपॉन 5 एंड हियर इट इज -6 प्लस 21 अपॉन 5. अब आप 8 − 3 करेंगे तो आएगा 5 अपॉन 5 और -6 + 21 होता है 15 अपॉन 5. आप इसकी कटिंग करेंगे ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3. यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के वो आएंगे 1, 3. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 we have to find the coordinates of the point of transection of the line joining 4 − 1 and −2 − 3. यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ट्राइसेक्शन. इस वर्ड्स को ध्यान से देखना है और इसी से आपको रेशियो मिलेगा. ट्राई मतलब होगा थ्री, थ्री सेक्शन में चेंज करना है. तो इस पूरी लाइन को थ्री सेक्शन में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ बीच में 2 पॉइंट्स और होंगे. अब ये जो पूरी लाइन है वो 3 सेक्शन में चेंज होगी है, AC1, CD2 और DB3. तो ये मैंने ट्राई सेक्शन में अपनी लाइन को चेंज कर लिया और मुझे इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने. जैसे मुझे XC के कोऑर्डिनेट्स निकालने, X1, Y1 कह लो या XY लिख लो इसको. और इसी तरह से D के निकालेंगे X2, Y2. तो ये मेरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है जिसको आपको ट्रांजेक्शन वर्ड के साथ कनेक्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द सेक्शन फॉर्मूला. हमने अपनी लाइन को ट्रांजेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है अगर उसको 1 लेते हैं तो सी से लेकर बी डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस हो जाएगा. ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो ये 2 यूनिट्स चला जाएगा. और हम इसी रेशियो को लेके पहले सी पॉइंट को निकाल लेते हैं. यानी कि हमारा जो m1 है वो है 1 और जो m2 है वो है 2. इसको ले लेते हैं आपका x1 और y1. और क्योंकि हम पॉइंट निकाल रहे हैं सी तो यहाँ से ले लेते हैं x2, y2. तो हमारे पास सी पॉइंट निकल आएगा 1:2 से. तो लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द सेक्शन फॉर्मूला. m1 जो है वो 1 ही है मल्टीप्लाई विद x2 -2 प्लस m2 जो है वो 2 है मल्टीप्लाई विद x1 वो है 4 अपॉन 1 + 2, क्योंकि m1 m2 यही है. अब आते हैं y के कोऑर्डिनेट्स पर. 1 2 1 + 2 तो सेम रहेगा, सिर्फ ये दो डिजिट चेंज होगी. तो इट इज 1 × -3 + 2 × -1
ये y1 और ये y2 और ये y1 अपॉन 1 प्लस 2। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बाय यूजिंग द बॉर्डमस फॉर्मूला। 1 इंटू माइनस 2 हमें देगा माइनस 2 प्लस 4 टू ज 8 अपॉन 3 कॉमा 1 इंटू माइनस 3 मुझे देगा माइनस 3 और 2 इंटू माइनस 1 मुझे देगा माइनस 2। प्लस का साइन हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा माइनस 1 के साथ और 1 प्लस 2 अगेन 3। अब अगर आप 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो वी गॉट 6 अपॉन 3 और यहाँ मिलेगा मुझे माइनस 5 अपॉन 3। 6 अपॉन 3 को कट करके आप 2 लिख सकते हैं तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 2 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3। अब D के कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लेते हैं A को और B को और D का जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ रेशियो भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अगर आप D पॉइंट को देखें, अगर हम A से D देखें तो ये पूरा का पूरा 2 यूनिट्स में है और D से B 1 यूनिट में। अब जो आपका रेशियो है वो भी चेंज हो गया क्योंकि पहले हमने C निकाला था A से C 1 और C से B 2। अब हम A से D ले रहे हैं 2 क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं इस हमारी लाइन AB के और D से B आएगा 1 यूनिट। तो इसी से स्टार्ट करेंगे। अब की बार M1 आपका 2 हो गया और M2 आपका 1 हो गया, बस इसमें चेंज है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड ट्राई टू गेट द आंसर। 2 इंटू एक्स टू बनेगा माइनस 2 प्लस एम टू 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। ये आपके x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। y के कोऑर्डिनेट्स भी सब सेम रहेगा, सिर्फ x2 और x1 को रिप्लेस करना है आपने। तो 2 इंटू y2 जो है आपका है माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, बॉर्डमास का फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 वन जा 4 अपॉन 3। इंटू माइनस 3 माइनस 6 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3। ये तो 0 ही हो जाएगा तो 0 अपॉन 3 और यहां आएगा माइनस 7 अपॉन 3। तो आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0 और माइनस 7 अपॉन 3 जो कि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। To contact sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on second line and post a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ध्यान रखना यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों का ही आंसर हमें देना है। क्वेश्चन में इंडिकेट है कि एडी पर जो है 100 फ्लावर पॉट्स हैं और हर फ्लावर पॉट 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। निहारिका के लिए लिखा हुआ है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। तो एडी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 है। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो जो निहारिका की वाई पर पोजिशन एग्जिस्ट करती है वो होगी 25 और एक्स पर जो पोजिशन है वो है 8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निहारिका के बने 8, 25। इसी तरह से हम प्रीत के निकालेंगे। प्रीत के लिए लाइन दी हुई है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो 1/5 ऑफ 100 आएगा आपका 20। तो वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्रीत के 20 और एक्स के लिए ये 22 को एग्जिस्ट करती है। तो इसके पोजिशन इसके कोऑर्डिनेट्स प्रीत के बनेंगे 2, 20।
लेट एंड 225 एंड पी 820 बी द पोजिशन ऑफ निहारिका एंड प्रीत रिस्पेक्टिवली। अब हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सबसे पहले निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, जो कि हमें देगा अंडर द रूट 61 मीटर। रूट 61 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। हाफ वे यानी कि समवेयर एट द प्लेस ऑफ आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स और वाई। अगर आपको हाफ वे निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 प्लस 8 अपॉन 2 5 हो जाएगा, 25 प्लस 20 अपॉन 2 45 अपॉन 2 होगा। तो हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स निकल आए 5, 45 अपॉन 2, विच इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। In question number 4, find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, -8 is divided by minus 1, 6. इस क्वेश्चन में हमें रेशियो खुद निकालने हैं, रेशियो गिवन नहीं है। पिछले जो क्वेश्चंस करे वहां पर रेशियो गिवन थे, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो खुद फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग The points -3, 10 and 6, -8। यहाँ हमें रेशियोज को लेट करना पड़ेगा। मैंने लेट कर दिया कि जो रेशियो है वो है लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k रेशियो 1, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो k है और ये 1 है, और k और 1 को लेकर सेक्शन फॉर्मूला में पुट करेंगे और फाइनली we get the value of k which is desired. So let's start by putting the values of, ये आपका x1 और y1 है, ये आपका x2 और y2 है, ये आपका m1 की तरह ट्रीट होगा और 1 आपका m2 की तरह ट्रीट होगा। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। m1 है k इंटू x2 है 6 प्लस m2 है 1 और x1 है -3 अपॉन k प्लस 1। ये x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब y की तरफ चलते हैं, k इंटू -8 जो कि y2 है प्लस 1 इंटू 10 जो कि y1 है अपॉन k प्लस 1। अच्छा, ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोऑर्डिनेट्स मेरे -1, 6 है, तो मैं यहाँ पे -1, 6 के इक्वल रख दूंगी इसे। अब सॉल्व करते हैं बॉड मास रूल के लिए। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 6k-3 अपॉन k+1, यहाँ आएगा -8k+10 अपॉन k+1 इक्वल्स टू -1, 6। हमें पता है ये x का कोऑर्डिनेट है और x का कोऑर्डिनेट एक्चुअल में -1 है, तो मैं 6k-3k+1 को -1 के इक्वल रखूंगी। -8k+10k+1 जो है y का कोऑर्डिनेट है और रियलिटी में y का कोऑर्डिनेट 6 है, तो मैं इसे 6 के इक्वल रखूंगी और इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी। ये दो इक्वेशन बन गई है। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं k प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज करूंगी, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 6k-3 इक्वल्स टू -1 इंटू k+1। ये एज इट इज रहेगा 6k-3, -1 k से मल्टीप्लाई होगा -k-1, 1 से मल्टीप्लाई होगा -1। अब k वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट k एक तरफ, इस k को मैं इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, 6k+k ये बनेगा 7k और इधर -1 को ट्रांसपोज, -3 को ट्रांसपोज करती हूँ, -1+3 ये बन जाएगा 2। तो आपकी k की वैल्यू 7 और k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो 7 उधर जाके डिवाइड होगा 2/7, ये मेरा k आ गया। आप चाहो तो इसे यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। मैं ये भी आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ,
8k + 10 = 6 × k + 1। बट आपको एग्जाम में दोनों सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। -8k + 10 = 6k + 6 - 8k - 6k = 6 - 10 - 14k = 4 and k = -4/-14। 2 and 7 minus से minus cut होगा। किसी भी तरीके से करिए, you will get the answer. तो we get the value which is 2:7 and that is the required ratio which is 2:7 answer of the given question. Find the ratio in which line segment 1,5 and -4,5 is divided on x-axis and find the coordinates of the point of division. जब ये x एक्सिस पे कट हो रहा है definitely x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन y वहां पर जीरो होगा, तो इसका भी यूज करेंगे टू गेट द आंसर। हमें यहाँ रेशियो फाइंड आउट करने हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। हमारा रेशियो हो गया k:1 और यहां से हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमें याद है, वैल्यूज पुट करेंगे। हमारा m1 है k, m2 है 1, x1, y1, 1 and -5, x2, y2, -4 and 5। Now put the values, m1 है आपका k into x2 है -4 plus m2 है आपका 1 into x1 है 1 upon k upon k plus 1। ये हमारे x के कोऑर्डिनेट हो गए। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, k into -4 आपका x2 था और 5 आपका y2 है plus 1 into -5 upon k plus 1। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो आए हैं वो है x,0, तो वो भी यहाँ इक्वल टू रखते हैं। अब बॉड मास का रूल लगाएंगे और पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास आएगा -4k + 1 × 1 1 k + 1 5k - 5, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस माइनस मर्ज होके फिर 5 माइनस का आएगा, अपॉन k + 1 जो कि है x,0। देखो अगर आप x के कोऑर्डिनेट को इक्वलाइज करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि k भी अननोन है और x भी अननोन है। लेकिन अगर हम y के कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रखें तो सिर्फ a ही अननोन होगा k और हम इजीली निकाल पाएंगे। तो मैं y के कोऑर्डिनेट को इक्वलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करती हूँ। 5k - 5 upon k + 1 = 0। तो आपका k प्लस वन इधर मल्टीप्लाई होके पूरा ही जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास बचेगा 5k - 5 = 0, -5 ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा 5k = 5 और k की वैल्यू आएगी 5/5। बाय कटिंग वी कैन गेट द आंसर k = 1। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1। उसने एक और क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। हमें पता है जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x,0, तो y के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है। k की वैल्यू x के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेस करते हैं। हमने k निकाला है, k 1 है, तो मैं k की जगह 1 पुट करके आंसर निकाल लेती हूँ। 4 × 1 = 1, तो 4 × 1 जो है वो हो जाएगा -4 + 1/2, तो दिस इज 3/2। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, 1, विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है a1,2b4,y c x,6d3,5। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब वो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर ये मिड पॉइंट है और अगर मैं डी और बी के कंपैरेटिव ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो ये रेशियो बनेगा 1:1, दोनों का डिस्टेंस सेम है। और अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे
तो हमारे ओ के कोऑर्डिनेट ए सी के रिस्पेक्ट पे और बी डी के रिस्पेक्ट में जो भी होंगे वो सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही जगह पर कट कर रहे हैं। तो हम पहले ए सी के रिस्पेक्ट में ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ऐसे केस में जब मिड पॉइंट होता है तो हमारे पास एक सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट के लिए स्पेशल केस होता है, क्योंकि हमारा एम वन और एम टू वन ही है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू। इसी तरह से यहाँ पर भी वन और वन रहेगा तो ये बनेगा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू। तो इसी स्पेशल सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैं ए सी के रिस्पेक्ट में ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर x1 और x2 है, x प्लस वन अपॉन जो है 2 हो जाएगा। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो निकले हैं x प्लस 1 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2, जिसे कट करके 4 लिखा जा सकता है। तो AC के रिस्पेक्ट में O के कोऑर्डिनेट्स आए x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4। अब हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू B एंड D by using the special formula of our section formula. BD के रिस्पेक्ट में देखते हैं 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। 4 प्लस 3 को आप 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं, लेकिन y प्लस 5 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो एज इट इज आएगा। अब आपके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ए सी के रिस्पेक्ट और बी डी के रिस्पेक्ट, ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके अपने अननोन आंसर तक पहुंच जाते हैं। पहले मैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, एक्स प्लस 1 एज इट इज छोड़ा, 7 अपॉन 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कट हुआ, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये 1 उधर ट्रांसपोज होगा बाय चेंजिंग द साइन, सो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी कि एक्स की वैल्यू आई 6। अब इसी तरह से वाई के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करते हैं, 2 इधर ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू जा 8, 5 प्लस वाई, 8 के साथ 5 ट्रांसपोज होके सब्ट्रैक्ट होगा तो वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई विच इज 3। तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आया 6 और y का 3, तो हमारा O जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 6, 3। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि सेंटर की बात चल रही है और ए बी डायमीटर है, इट मींस ओ विल बी द सेंटर पॉइंट। ओ जो है वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ओ ए और ओ बी को इक्वल पार्ट्स ही होंगे, दोनों सेम डिस्टेंस के होंगे। तो फिर दोबारा मुझे स्पेशल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने सेक्शन फॉर्मूले का, एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू एंड वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू। तो हमारे लिए इजी है इसे निकालना इसके सेक्शन फॉर्मूला से। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर। आई एम हैविंग 2, -3, ये इक्वल आएगा आपका x2 जिसे मैं 1 ले लेती हूँ और x1 जिसे मैं x ले रही हूँ अपॉन 2 के, और y2 के लिए मैं ले रही हूँ 4 प्लस y अपॉन 2। बस मुझे अब कंपेयर करना है, x को x के इक्वल रख देते हैं और y को y के इक्वल रख देते हैं। So I am comparing first of all for the coordinates of x, 2 is equals to 1 plus x upon 2. ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इट इज 4 equals to 1 plus x, 1 ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा 4 minus 1 equal to x और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से y के लिए करते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए -3 और हमारे स्पेशल फॉर्मूला से आया है 4 plus y upon 2. 2 पहले मल्टीप्लाई होगा -6 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये जो 4 है ट्रांसपोज होके -4 बनेगा, सो -6 -4 इक्वल्स टू y व्हिच इज इक्वल्स टू -10। तो y की वैल्यू आ गई है -10, x की वैल्यू आई है 3, तो मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं 3, -10।
क्वेश्चन नंबर एट, इफ ए एंड बी आर माइनस टू एंड टू माइनस फोर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी. इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी. क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम करते हैं, ये ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 3/7 के साथ मल्टीप्लाई है ए बी, तो ए बी को ट्रांसपोज करेंगे, सो इट विल बिकम ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7. इस रेशियो का यूज करेंगे. इसको अगर हम रिवर्स कर दें, ए बी अपॉन ए पी लिख दें, तो इसका रेशियो भी रिवर्स हो जाएगा, विच इज 7/3. अब यहां से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए पी माइनस 1, क्योंकि मैं एल एच एस में माइनस 1 कर रही हूँ, तो आर एच एस में भी मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा. इसका एलसीएम लेने के लिए ए पी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी, सेम यही क्राइटेरिया यहाँ पर भी होगा, 3 × 1 7 − 3/3. जब आप ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा पी बी, तो आप लिखेंगे पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 4/3. ये जो रेशियो हमें मिला है इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये रेशियो है पी बी अपॉन ए पी, अगर मुझे ए पी अपॉन पी बी चाहिए तो ये हो जाएगा 3/4, रिवर्स हो जाएगा इसका. तो आपका एम वन जो है वो है 3 और एम टू है 4. आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप एक्स वाई निकाल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इंडिकेट कर देते हैं, और हमने निकाल लिया था ये एम वन 3 है और एम टू 4 है. नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. एम वन है हमारे पास 3 इंटू एक्स टू है 2 प्लस एम टू है 4 इंटू एक्स वन है माइनस 2 अपॉन 3+4. ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, और वाई के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3+4. बॉड मास का रूल फॉलो होगा, पहले 3 इंटू 2 करते हैं 6, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 7. यहाँ पर 4 3 जा 12 माइनस लगेगा, और 4 2 जा 8 इट इज माइनस 8 अपॉन 7. 6 माइनस 8 मिलेगा हमें माइनस 2 अपॉन 7, और माइनस 12 माइनस 8 मुझे मिलेगा माइनस 20 अपॉन 7. तो मेरे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, विच इज द डिजायर्ड आंसर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए माइनस टू 2 एंड बी 2, 8 into 4 equal parts. There are 4, यहाँ पे 4 equal parts हैं, AC, CD, BDE और EB. ये 4 equal parts हैं, यानी कि 1, 1, 1 का ratio होगा इसका. अब हमें start करना है question को, to find out first of all coordinates of C. अगर आप C को देखें तो यहाँ ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका रेशियो होगा 1, और ये 3 बन गए तो दैट इज 1:3. सी से लेकर बी तक बनेगा 3 और ए से लेकर सी तक बनेगा 1. तो राइट नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. तो वी विल टेक द रेशियो 1:3, मीन्स एम वन आपका है 1 और एम टू है आपका 3. एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. हमारे पास एक्स वन और एक्स वाई वन है, हमारे पास एक्स टू और वाई टू है, हमारे पास एम वन है 1, हमारे पास एम टू है 3. वैल्यूज पुट करें और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालें. एम वन के लिए 1 इंटू एक्स टू के लिए 2 प्लस एम टू के लिए 3 इंटू एक्स वन के लिए माइनस 2.
अपॉन 1 प्लस 3, ये एक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसी तरह से वाई के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 1 × y2 = 8 + 3 × y1 = 2 / 1 + 3। बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 1s आ जाएगा 2, 3 2s आएगा 6, लेकिन नेगेटिव का साइन है, ±6/4, ये दोनों साइन मर्ज होंगे, बनेगा 2 − 6/4 −4/4 और कटिंग करके आएगा -1। तो x का कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारा -1। अब चलते हैं y के कोऑर्डिनेट्स के लिए, 8 1s = 8 + 3 2s = 6/4, 14/4 2s = 7, तो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट आ गए 7/2। तो हमने यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट निकाल लिए -1 और 7/2, लेकिन हमें बाकी के पॉइंट्स भी निकालने, तो अगला टारगेट होगा d। d पॉइंट के साथ जाना है मुझे, और फिर दोबारा देखो यहां से a से c 1 है और c से d भी 1 है, तो अब ये जो रेशियो बनेगा a से लेकर d तक का वो बनेगा 2, और d से लेके e तक का भी रेशियो जो है वो 2 ही होगा। तो अब आपको m1 जो है वो यूज करना है 2 और m2 जो है वो यूज करना है 2। तो स्टार्ट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द सेक्शन फॉर्मूला। m1 है 2 इंटू x2 है हमारा 2 प्लस अगेन 2 x1 है -2 अपॉन 2 + 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट आएगा। अब आगे चलते हैं, 2 × y2 = 8 + 2 × y1 = 2 / 2 + 2। बॉड मास से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 2 2 2s = 4 + −4/4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 − 4/4 = 0/4, आपका 0 के इक्वल होगा। ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया d के लिए। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट पर, 8 2s = 16 + 4/4, तो इट इज 20/4 और 4 5s = 20। तो ये मेरे d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स बने 0, 5। अब आते हैं e के लिए, हम निकाल चुके हैं c के कोऑर्डिनेट −1/-1 = 7/2, d के कोऑर्डिनेट 0, 5। अब e के लिए देखते हैं, e का अगर आप देखेंगे तो a से लेकर e जो है वो 3 बन जाएगा, यानी कि m1, और e से लेकर b जो है वो 1 हो जाएगा, दिस इज m2। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में टू गेट द आंसर। m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 × x2 है हमारे पास 2 प्लस m1 है 1 और x1 है −2 अपॉन 3 + 1, 3 × y2 = 8 + 1 × 2 / 3 + 1, 3 2s = 6 + −2/4, 6 − 2/4 होगा 4/4, कटिंग करके आएगा 1, तो x का कोऑर्डिनेट तो आ गया 1। अब y के लिए देखते हैं, 8 3s = 24 + 2 2 1s = 2 / 4, तो ये 26/4, 2 2s = 2 1s = 2 3s = 2, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने 1 13/2। हमारे पास e के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 1, 13/2, c d और e सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। फाइंड द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, −1, −4 and −2, −1 टेकन इन ऑर्डर। एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ d1 × d2। d1 स्टैंड्स फॉर डायगनल 1 एंड d2 फॉर डायगनल 2। हाफ ac × bd अगर आपने निकाल लिया तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ac और db निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में सीखा है। सबसे पहले ac का डिस्टेंस ले लेते हैं,
ए सी अंडर द रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 0 - 4 का होल स्क्वायर। हमें याद है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा हुआ है, उसी को यूज करना है। यहाँ पर हमें मिलेगा 4² + -4 का भी स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम ही होगा, 16 + 16 विल गिव यू √32। आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा 4√2 यूनिट्स। ये तो आ गया हमारा एसी। अब इसी तरह से निकालेंगे बीडी की डिस्टेंस। बीडी इक्वल्स टू 4 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 होल स्क्वायर। दो जगह माइनस है तो ये मर्जिंग हो जाएगा, 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6² + 6² अंडर द रूट 36 + 36 अंडर द रूट 72 अंडर द रूट। 72 को रूट से बाहर निकालेंगे और हमारे पास आएगा 6√2। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, 36 × 2 होता है तो 6 × 6 = 36, मैंने 6 बाहर निकाल लिया। अब हमें सिर्फ एसी और बीडी की वैल्यू को अपने एरिया ऑफ द रोम्बस के फॉर्मूले में पुट करना है टू गेट द फाइनल आंसर। 4√2 × 6√2, आपको पता है √2 √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बना देगा, तो 1/2 × 4 × 6 × 2, इस 2 से 2 को कट कर दीजिए, आपके पास आ गया आंसर 24 यूनिट स्क्वायर।